में 5 कोटी लोगों को हम मेंबर बनाने वाले हैं और 50 कोटि से ज्यादा भारतीय नागरिकों का सहयोग और समर्थन लेने वाले हैं। क्या करना है इस अभियान में? इस अभियान में हम सबसे पहला काम करना चाहते हैं भारत देश की सरकारों के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 34,735 कानूनों को बदलवाना। हमारे देश में आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी अंग्रेजों के ही कानून चल रहे हैं। उदाहरण के लिए इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों के समय का है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों के समय का है, लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों के जमाने का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों के समय का है, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों के समय का है, इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, ऐसे करीब 34,735 कानून अंग्रेजों ने जो बनाए थे भारत पर गुलामी लादने के लिए, वो सभी कानून अभी भी चल रहे हैं। तो भारत स्वाभिमान का पहला लक्ष्य है अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को बदल कर माना। दूसरा लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति से भ्रष्टाचार को समाप्त करना। हमारे देश में आप जानते हैं भ्रष्टाचार एक अर्थव्यवस्था के बराबर चल रहा है और काला धन हमारी अर्थव्यवस्था में बराबर हो गया है। अर्थव्यवस्था हमारी 55 लाख कोटी रुपए की है, जिसको हम GDP कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा 55 लाख करोड़ का है और ब्लैक मनी भी हमारा 55 लाख करोड़ हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर का ब्लैक मनी है, और इससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि भारत का बहुत सारा ब्लैक मनी विदेशी बैंकों में जमा है। स्विट्जरलैंड की बैंकों में करीब 72 लाख कोटी रुपए का काला धन है और स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया के और 70 देशों की बैंकों में करीब 258 लाख कोटी रुपए का काला धन है। देश के अंदर 55 लाख कोटी का काला धन, देश के बाहर विदेशी बैंकों में 258 लाख कोटी का काला धन। हम इस पूरे काले धन को सफेद धन बनाना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में इस धन का उपयोग करना चाहते हैं। इसके लिए टैक्स कानूनों में हम बदलाव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स को बदलना, और इसके अलावा जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स के कानून है, अदर जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनमें बदल करना चाहते हैं ताकि ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी बने और देश के उपयोग में आए। तीसरा काम हम करना चाहते हैं भारत के शेतकरी नागरिकों के लिए, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग सावयव कृषि गड़बड़ करता है। भारत के सभी शेतकरी नागरिकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लाना चाहते हैं, सेंद्रीय खेती की तरफ लाना चाहते हैं और शेण खत की खेती इस देश में करा के फार्मर्स की जो तकलीफ है इन्हें कम करना चाहते हैं। हमारे भारत के किसानों की सबसे बड़ी तकलीफ है उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है और उनको जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनका भाव नहीं मिल रहा है। इस कारण खेती घाटे में है और शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं। हर साल हमारे देश में 56,000 शेतकरी आत्महत्या करते हैं, ये भारत सरकार के फिगर्स हैं। हम चाहते हैं कि किसी शेतकरी को आत्महत्या ना करनी पड़े, इसके लिए वो अपने खेती में पूरे तरीके से शेण खत का वापर करे। तो शेण खत बनाने का तरीका और शेण खत का उपयोग करने का तरीका हम गांव-गांव सिखाते हैं और हमारे 2,40,000 योग शिक्षक गांव-गांव जाकर योग प्राणायाम के साथ साथ खेती करना सिखा रहे हैं। और अभी तक हमें थोड़ी सफलता इसमें मिली है, करीब 20 लाख एकड़ खेती भारत में ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है और इस खेती में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90% कम हो गया है। यूरिया डीएपी नहीं डालना पड़ता,
सुपर फॉस्फेट नहीं डालना पड़ता, केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करने पड़ते, इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करने पड़ते, तो बहुत सारा प्रोडक्शन का खर्च बच गया। और आपका हमें खुशी है इस बात की कि जो शेतकरी ये खेती कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, एक तो खर्चा घट रहा है, आमदनी बढ़ रही है। अब हम कैसे, हम भारत के आम आदमी से लेकर सभी लोगों को सेंद्रीय खत से पैदा किया हुआ गेहूं, सेंद्रीय खत से पैदा किया हुआ धान, चावल, सब्जियां, दाल आदि उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके लिए अगले एक वर्ष में भारत देश में 1000 स्टोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं पूरे देश में, जिसमें शेड खत का गेहूं मिलेगा, शेड खत का धान, चावल, शेड खत की गुड़ मिलेगी, शेड खत की काकड़ी मिलेगी, शेड खत की सब्जियां मिलेंगी, सब कुछ ऑर्गेनिक मिलेगा। और बाजार की कीमत के लगभग बराबर कीमत पर मिलेगा, बहुत हाई प्राइसेस नहीं होंगे, ये हम कोशिश कर रहे हैं। अगर बाजार में गेहूं यूरिया डीएपी का 11-12 रुपए किलो है तो शेड खत का गेहूं 13-14 रुपए किलो में मिल जाएगा, इससे ज्यादा कीमत पे नहीं, ताकि गरीब से गरीब आदमी उसे खरीद के खा सके। ये हमारा दूसरा एक बड़ा काम है। इसके साथ एक तीसरा काम हम पूरे देश में कर रहे हैं, गांव-गांव नागरिकों को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सिखा रहे हैं ताकि वो अपना इलाज खुद कर सके। हमारे भारत देश में सरकार की तरफ से चिकित्सा और स्वास्थ्य की सुविधा सभी को उपलब्ध नहीं है, सरकार के पास बजट नहीं है, फंड्स नहीं है। केंद्र सरकार एक साल में चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 22,300 कोटि रुपए खर्च करती है, और इसमें से 85% खर्चा डॉक्टर्स लोगों की सैलरी और टीएडीए में चला जाता है। सिर्फ 15% खर्चा है जो बीमार लोगों के काम आता है, और अगर उस खर्चे को निकालें तो एक व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 23 रुपए आता है। अब 23 रुपए एक व्यक्ति को सरकार की तरफ से खर्चा है चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, उसमें उसका सर्दी जुकाम भी ठीक नहीं हो सकता। मैंने सरकार मजाक कर रही है लोगों के साथ, चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट हमारे देश में कुल बजट का 2% से भी कम है, जबकि दुनिया के तमाम देशों में चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट कुल बजट का 14-15% होता है, हमारे यहाँ बहुत कम बजट है। और दुर्भाग्य एक और है कि हमारे यहाँ जो बजट है चिकित्सा और स्वास्थ्य का, उसका 80% से ज्यादा एलोपैथी पे खर्च होता है। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, यूनानी पद्धति, ये सब जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसके लिए खर्चा बहुत कम है। तो हम लोगों ने अभियान के रूप में ये काम शुरू किया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना, योग को बढ़ावा देना, प्राणायाम को, आयुर्वेद को। इसके लिए हमने योग शिक्षक तैयार किए हैं जो गांव-गांव जाके कक्षाएं लेते हैं और लोगों को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद सिखाते हैं। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि योग प्राणायाम सीखने के बाद लोगों की डायबिटीज ठीक हो रही है, और ठीक होने से मतलब है मेरा क्योर हो रही है, डायबिटीज क्योर हो रही है, इस बात को मैं एम्फेसाइज करके कहना चाहता हूँ। सारी दुनिया के चिकित्सक कहते हैं कि डायबिटीज इनक्योरेबल डिसीज है, लेकिन योग प्राणायाम से ये कंप्लीट क्योर हो रहा है। 40-40 साल से जिनको डायबिटीज था और जो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, उन्होंने योग प्राणायाम करके 2 महीने में शुगर अपने ठीक किया। हाइपरटेंशन ठीक हो रहा है, क्योर हो रहा है, जो 100% इनक्योरेबल माना जाता था। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सभी बीमारियां क्योर हो रही हैं योग प्राणायाम से, और इनके क्योर होने का खर्चा 0 है, क्योंकि योग प्राणायाम में कोई खर्च नहीं लगता। हम क्लास भी लेते हैं योग प्राणायाम की, तो निशुल्क लेते हैं, बिना शुल्क के सबको ये सिखाते हैं, खर्चा कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, साइड इफेक्ट 0 है, और इसमें एक्सपायरी डेट तो कुछ भी नहीं जो मेडिसिन में होता है। और ये योग प्राणायाम जो है किसी भी मनुष्य के लिए कहीं भी किया जा सकता है, कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, संप्रदायों का कोई लेना देना नहीं।
और स्पेस इसमें बहुत छोटा सा लगता है, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा स्पेस आपके पास है, 4 स्क्वायर फीट, इसी में आप योग प्राणायाम कर सकते हैं। आप करोड़पति हैं तो रोडपति हैं तो दोनों ही आप कर सकते हैं। और इसमें हमने अब तक जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो ये बताते हैं कि 148 डिसीज कंप्लीट क्योर होते हैं, 148 बीमारियां बिल्कुल ठीक होते हैं। तो भारत के नागरिकों को हम ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम और आयुर्वेद को सिखा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि भारत के लोगों का हर साल चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए जो खर्च होता है 7 लाख कोटी रुपए, ये हमें कम कराना है। हमारा टारगेट है कि 1 पैसा भी चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए खर्च ना करना पड़े लोगों को, इसके लिए ये अभियान है। चौथा अभियान हम चला रहे हैं, हमारे देश में जो कारीगर लोग हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे कारीगर हैं जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं, खादी बनाते हैं, सूत बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे कारीगर हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिनको हम कुम्हार कहते हैं, बहुत सारे कारीगर हैं जो चर्मकार हैं, जूते बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं। ऐसे भारत में करीब 35 कोटी कारीगर हैं, 35 करोड़। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बाजार में इन कारीगरों की बनाई हुई बिके। अभी हमारे देश में सरकार के द्वारा ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चल रही है जिसमें सब कुछ विदेशों से आकर भारत में बिक रहा है। हमारी कोशिश है कि हम ग्लोबलाइजेशन को लोकलाइजेशन में कन्वर्ट करें, माने लोकल जो हमारे कारीगर हैं हाथ से काम करने वाले, उनका बनाया हुआ कपड़ा बिके, उनके बनाए हुए चीनी मिट्टी के बर्तन बिके, उनका बनाया हुआ मिट्टी का बर्तन बिके, उन्हीं का ज्यादा से ज्यादा सामान भारत के बाजार में बिके ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे और उनका सम्मान बरकरार रहे। तो कारीगरों की तरफ हमारा विशेष ध्यान है। और हम मानते हैं कि भारत देश दो ही समाज का देश है, या तो शेतकड़ी है हमारे यहाँ या कारीगर है। शेतकड़ी हमारे यहाँ करीब 78 कोटी है और कारीगर हमारे यहाँ 35 कोटी है। दोनों को मिला दें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन का ये बड़ा हिस्सा है। इनको मदद करनी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को हो रहा है। हमारी सरकार ने जो ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है वो एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वो अमेरिकनाइजेशन है। सब कुछ अमेरिकन कंपनियों के लिए यहाँ खुली छूट है, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन कैसिनोज, अमेरिकन जुए के अड्डे, अमेरिकन शराब, अमेरिकन परफ्यूम्स, अमेरिकन कॉस्मेटिक्स, सब कुछ अमेरिकन होता जा रहा है हमारे देश। और सबसे खतरनाक बात है कि इस ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब अमेरिकन कंपनीज को भारत की लैंड परचेज करने की छूट देना शुरू किया है कि वो भारत में आके जमीन खरीद सकें और यहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित करें। हम मानते हैं कि ये कॉलोनाइजेशन का ही नया स्वरूप है, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ये रीकॉलोनाइजेशन है। पहले ये कॉलोनाइजेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस बार ये होने की तैयारी चल रही है अमेरिकन्स के द्वारा। तो इस कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को तोड़ना है, इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को रोकना है, और इसको रोकने की ताकत और तोड़ने की ताकत भारत के कारीगरों में है, भारत के किसानों में है। तो किसानों और कारीगरों दोनों को एक साथ हम इकट्ठा करके इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और इस लड़ाई में हमारा जो स्लोगन है वो है बी इंडियन बाय इंडियन, भारतीय बने और भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करें। हमारी सरकार का नारा है बी अमेरिकन बाय अमेरिकन, आप अमरीकी हो जाएं और अमरीकी चीजें ही खरीदते जाएं, पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसी हजारों अमरीकी कंपनियों को सरकार ने भारत में बुला लिया है। अब वो छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं, आलू का चिप्स अमेरिकन कंपनियां बेच रही हैं, आलू 10 रुपए किलो मिलता है उनको भारत से और चिप्स 480 रुपए किलो वो बेच रहे हैं।
टमाटो सॉस अमेरिकन कंपनी बेच रही है, टमाटर 5-6 रुपए किलो मिलता है, टमाटो सॉस 200 रुपए किलो वो बेचते हैं। पानी हमारे देश में जो आसानी से सबको मिल जाता था, उस पानी को अमेरिकन कंपनियों ने 15 रुपए लीटर कर दिया है, जो दूध से भी ज्यादा महंगा है। हमारे देश में हजारों बच्चों को दूध नहीं मिल पाता पीने के लिए, अमेरिकन कंपनीज भारत में लाखों लीटर दूध बर्बाद करके चॉकलेट बनाते हैं और उस चॉकलेट को 1500 रुपए किलो बिकवाते हैं। अब हम इसके खिलाफ खड़े हैं और हमें इसका पूरी ताकत से जवाब देना, इसलिए सारे देश को हम इकट्ठा कर रहे हैं इस विदेशीकरण के खिलाफ, अमरीकीकरण के खिलाफ। और इसमें आखिरी लड़ाई हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। हमारी माइंस हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमारे तालाब और सरोवर हैं, पानी की व्यवस्था है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे जंगलों का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है। इसके खिलाफ हम बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देश की संपत्ति निजी हाथों में जाना ये सबसे खतरनाक बात होती है किसी भी देश के लिए। दुनिया में जो हाईली ग्लोबलाइज्ड कंट्री हैं, उनके यहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज निजी संपत्ति नहीं होते। इवन अमेरिका में नहीं, यूरोप के देशों में नहीं, और हमारे यहाँ उल्टी दिशा में ये जा रहा है। चूंकि ये सारे रिसोर्सेज निजी हाथों में जा रहे हैं, इसलिए इनका अंधाधुंध दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, और संपत्ति देश के बाहर कौड़ी के भाव में बेची जा रही है। हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करके यहाँ से जो कुछ भी विदेश में भेज रहे हैं, वो सब कौड़ी के भाव बिक रहा है, क्योंकि रुपए की कीमत बहुत कम है, डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी दूं, जब हम आजाद हुए थे तो हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते थे, 7 रुपए किलो उसकी कीमत होती थी। अब आजादी के 63 साल के बाद सेम आयरन ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत 25 पैसे किलो होती है। हम लुटा रहे हैं अपनी संपत्ति विदेशियों को, और ये संपत्ति जो लूटी जा रही है, ये वापस नहीं आने वाली है। एक बार ये संपत्ति खत्म हुई तो ये हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। कुछ संपत्ति तो ऐसी है जो रिन्यूएबल है, जिसको हम फिर बना सकते हैं, लेकिन कुछ संपत्ति है जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो सारे देश में इसकी हम जन जागृति खड़ी कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, और अगले 4 सालों में हमारे संगठन में 5 कोटी डायरेक्ट मेंबर होंगे, 50 कोटी लोग हमारे इनडायरेक्ट सपोर्टर होंगे। उनकी मदद से सरकारों पर दबाव डालना है, कानून बदल करना है, नीतियां बदल करनी है, नियम बदल करने हैं। और अगर सरकारें नहीं कर पाई हमारे हिसाब से, कानून नहीं बदले, नीतियां नहीं बदली, तो जरूरत पड़ने पर हम भी पार्लियामेंट में हस्तक्षेप करेंगे, विधानसभाओं में हस्तक्षेप करेंगे, और नई सरकारें बनाएंगे और नए लोगों को इस देश की राजनीति में लाएंगे। ये हमारा संकल्प है। या तो सरकारें अगले 4 सालों में देश में नीतियों को बदले, ग्लोबलाइजेशन को रोके, रिकॉलोनाइजेशन को रोके, हमारे संपत्ति को बर्बाद होने से बचाएं, हमारे कारीगर हमारे किसानों को ठीक तरह से रखने की भी नीतियां बनाएं, अंग्रेजों के कानून बदल दें। और अगर ये सब इन्होंने नहीं किया, तो हमारा संकल्प है कि 2014 का जब चुनाव होगा पूरे देश में, तो सारे देश में से अधिक सांसदों को चुनकर लाएंगे लोकसभा के लिए, और जरूरत पड़ने पर विधानसभाओं के लिए, और एक नई व्यवस्था वाला भारत हम बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में हमें बहुत सफलता मिली है। हमारा जो संगठन है भारत स्वाभिमान, इसका ग्रोथ रेट पिछले 1 साल का अगर हम निकालें, तो बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से 1000 times ज़्यादा है। माने लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लोग हमें मदद भी कर रहे हैं। ये पूरा अभियान लोगों की मदद से चल रहा है, ये पूरा अभियान आगे भी लोगों की मदद से ही चलने वाला है। अगले 1 से 4 मई गोवा में इस अभियान का एक विशेष चरण शुरू हो रहा है,
परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी 4 दिन के लिए गोवा आ रहे हैं। 1 मई से 4 मई उनका यहाँ शिविर आयोजित हो रहा है, जिसमें हजारों हजारों लोग भाग लेंगे जो भारत स्वाभिमान के मेंबर बन चुके हैं। और हमारे भारत देश में हर जिले में अगले 2 सालों तक शिविर करने की योजना है। उस योजना का शुभारंभ गोवा से हो रहा है। पहला जो हम शिविर कर रहे हैं पूरे देश में जिले स्तर का, वो गोवा से शुरू हो रहा है और आने वाले 2 साल तक ये शिविर 380 जिलों में चलते रहेंगे। इनमें हम मेंबरशिप करेंगे, अभियान की ताकत बढ़ाएंगे और लोगों को अपने योग शिक्षण के साथ जोड़ेंगे। इतना मुझे कहना था, अब आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देने की कोशिश करूँ। फॉर्मल पार्टी कब लॉन्च हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगी, थोड़े दिन में आपको जानकारी मिल जाएगी। राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, ये घोषणा हमने कर दी है। पार्टी का नाम भी स्पष्ट है, भारत स्वाभिमान। रजिस्ट्रेशन वगैरह की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो पूरी होते ही आपको जानकारी हो जाएगी। हाँ, अंग्रेजों ने जब भारत देश को अटैक किया था या भारत में एंट्री की थी, उस समय भी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का ही नारा दिया था और उनका नारा था फ्री ट्रेड। और उनका फ्री ट्रेड का मतलब था कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं वो भारत में टैक्स फ्री हों और इंडियन गुड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगे। सेम इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भारत सरकार ने 91 से ये जो प्रोसेस शुरू किया है, इसमें विदेशों से आने वाली वस्तुओं को टैक्स कम से कम किया है और देश के अंदर बनने वाली वस्तुओं पर इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। परिणाम यह है कि भारतीय वस्तुएं महंगी हैं, विदेशी वस्तुएं सस्ती। तो हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं और वो रिवर्स कैसे करेंगे, टैक्स सिस्टम को चेंज करके। हम चाहते हैं कि भारत में बनने वाली वस्तुओं को मिनिमम टैक्स होगा और विदेशों से आने वाली वस्तुओं को मैक्सिमम टैक्स होगा। वो करके हम इस ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करेंगे। हमारे भारत में सादा पीने का पानी बिल्कुल फ्री मिलेगा, पेप्सी कोला कोका कोला सबसे महंगा मिलेगा। हमारे भारत में सादा पीने का दूध सस्ते से सस्ता मिलेगा, लेकिन चॉकलेट महंगी से महंगी होगी। माने जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जिनकी हमारी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, ये सभी आइटम्स को सरकार ने जो छूट दे रखी है, हम उसे खत्म करेंगे। और मल्टीनेशनल कंपनीज को जो छूट मिली हुई है, आपको शायद सुनकर हैरानी होगी, आप पंजिम में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, आप पीने के पानी पर टैक्स देते हैं, लेकिन पेप्सी कोक को 1 पैसा टैक्स नहीं लगता। उनको सारा पानी टैक्स फ्री दिया जाता है पूरे देश में से। इसको हम रिवर्स करें। हमारे देश के नागरिकों को हम पानी टैक्स फ्री दे सकते हैं, पेप्सी कोक को तो टैक्स फ्री देने का सवाल ही नहीं है। और इसके लिए हम लड़ना चाहते हैं भारत से लेकर ग्लोबल लेवल तक। और हमारी लड़ाई होगी WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि WTO एक लीगल एंटिटी बन चुका है इस समय और ये सारा ग्लोबलाइजेशन WTO के थ्रू हो रहा है। हम WTO के पैरेलल एक WTO बनाने वाले हैं। दुनिया के 70-80 जो गरीब देश हैं, जिनको G77 कहा जाता है, उनको पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं और उनका अलग से WTO बनाना चाहते हैं। और हमारा जो WTO होगा, उस पर अमेरिकन यूरोपियन कंट्रोल नहीं होगा। हमारे WTO में गल्फ देश भी हो सकते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हो सकते हैं, लैटिन अमेरिकन देश होंगे, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के देश होंगे। और हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो ये कि जिसके पास जो चीज़ सरप्लस में है, वो एक दूसरे के साथ उसे शेयर करें। हमारा ग्लोबलाइजेशन ये है। अमेरिका और यूरोप का जो ग्लोबलाइजेशन है, वो ये है कि उनके पास जो सरप्लस में है वही सबको दें, हमारे पास जो सरप्लस है वो उसे नहीं लेंगे। जैसे हमारे पास लेबर सरप्लस है, तो अमेरिका और यूरोप अपना दरवाजा हमारे लेबर फोर्स के लिए खोलने को तैयार नहीं। उनके पास कैपिटल सरप्लस है, वो अपने कैपिटल को यहाँ घुसाना चाहते हैं। हम इसको रिवर्स करें। अगर हमारे पास लेबर सरप्लस है, किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज सरप्लस में है, किसी देश के पास कैपिटल सरप्लस में है, सब एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, वो हमारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सर,
हम अमेरिकनाइजेशन का विरोध करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, हम यूरोपियनाइजेशन का विरोध करते हैं ग्लोबलाइजेशन का, तो हमारे ग्लोबलाइजेशन में अफ्रीका सेंट्रिक पॉलिसी होगी, हमारे ग्लोबलाइजेशन में लैटिन अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी होगी। अभी जो सरकार कर रही है उसमें सब कुछ अमेरिकन सेंट्रिक है, एग्जैक्टली अमेरिकन ओरिएंटेड भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज जो स्टेटमेंट करते हैं और पार्लियामेंट में जो पॉलिसीज बन रही हैं, हर समय अमेरिका को खुश करना, हर समय अमेरिका को खुश करना, हर दिन एक कानून बनाती है सरकार अमेरिका को खुश करने के लिए। अभी एक थोड़े दिन पहले कानून बनाने के लिए न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल, वो अमेरिकन कंपनीज को खुश करने के लिए सरकार वो कानून बनाना चाहती है। तो हम ये बदलना चाहते हैं, हम मानते हैं कि सारी दुनिया में 200 देश हैं, अमेरिका एक देश है, सब कुछ अमेरिका देखकर हम नहीं कर सकते। और अमेरिका जैसे देशों से तो दूरी ही रखनी चाहिए हमको, क्योंकि मेरा मानना है कि जो खतरनाक जहरीले सांप होते हैं ना, उनके पास नहीं जाया जाता। आपके जंगल में किंग कोबरा होता, उसको पकड़ के घर में नहीं लाया जाता, या किंग कोबरा के पास जाके नहीं बैठा जाता। अमेरिका वैसा ही देश है, किसी देश का सम्मान नहीं करता, किसी देश की इज्जत नहीं करता, हर देश को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के हिसाब से तौलने वाला है। तो हम अमेरिकनाइजेशन को रिवर्स करना चाहते हैं और उसको हम लोकलाइजेशन में बदलना चाहते हैं। हाँ, हमारे मीडिया में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाने के बाद मीडिया भी लगभग काफी कुछ वैसा है जो विदेशी हाथों में चला गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो काफी कुछ विदेशीकरण हुआ है, अब प्रिंट मीडिया में भी होने की तैयारी चल रही है। हम चाहते हैं कि हमारा मीडिया हमारी पूंजी से चले, हमारे पैसे से चले, और भारत में पूंजी की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में हमारी सरकारों ने मूर्ख बना रखा है कि हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट 91 से 2010 माने 20 इयर्स में जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया है वो हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स का 3% है, ओनली 3%। हमारी जो टोटल डोमेस्टिक सेविंग्स है उसका सिर्फ 3% है टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका माने विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम इस देश को चला सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स हमारे पास इतनी है। लेकिन देश को मूर्ख बनाने के लिए बार बार ये कहा जाता है पूंजी की कमी है। हम मानते नहीं कि मीडिया में कोई पूंजी की कमी है, क्योंकि मीडिया में जो एडवर्टाइजमेंट मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया को, वो ये कहानी कह रहे हैं कि विदेशी अभी भी बहुत कम एडवर्टाइजमेंट है, स्वदेशी एडवर्टाइजमेंट पे मीडिया जिंदा है। भारत में दो टेलीविजन ग्रुप है जो एक पैसे का भी विदेशी एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते और खूब अच्छे से चल रहे हैं। उनमें से एक है आज तक, जिसकी पॉलिसी है कि वो किसी विदेशी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा और अच्छे से चल रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ दूसरे कई न्यूज चैनल शुरू हुए, तो हमारी कोशिश है कि मीडिया के लोगों को हम साथ बैठकर संवाद करके उनको थोड़ा प्रेरित करें कि आप इस विदेशी पूंजी के मोह से निकलकर भारतीय पूंजी का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि पूंजी आती है तो उसके साथ कंट्रोल आता है, और कंट्रोल आता है तो उसके साथ कल्चर आता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर हर जगह घुस रहा है, और बड़ा दुख होता है मुझे कि अमेरिकन स्टाइल में अब हमारे न्यूज़पेपर निकलने लगे हैं। अब हमारे न्यूज़पेपर में एडिटर की जगह नहीं है, मैनेजिंग एडिटर हमारा एडिटर हो गया। ये सबसे खतरनाक चीज हुई, हर बड़े अखबार में एडिटर खत्म होके मैनेजिंग एडिटर को एडिटर बना है। ये प्रवृत्ति खराब है, इसको ठीक करना है। और मीडिया के साथ हम संवाद करना चाहते हैं वैसा ही कि आजादी के आंदोलन में मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, और उस समय मीडिया देश की सेवा का सबसे बड़ा साधन था। महात्मा गांधी मीडिया कर्मी थे, उन्होंने 3 अखबार निकाले महात्मा गांधी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार निकाले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1 अखबार निकाला, भगत सिंह उधम सिंह आदि ने निकाला। तो हम